किया गया था, मगर आज तक लोगों को जो उम्मीद थी वो नहीं पूरा हो पाया था। ये एक्चुअली जब दामोदर की परियोजना बन रही थी डीवीसी को, तो डीवीसी में जो दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था, उसमें अटैचमेंट में उसकी जितनी ट्रिब्यूटरी नदियां थी उन पे बांध बांधा गया था। तो उसमें दो प्रोजेक्ट थे हजारीबाग में, हजारीबाग में जो शहर के अगल बगल में है, एक छड़वा डैम था और एक गोंदा डैम। गोंदा डैम गोंदा नदी पर बना है और गोंदा नदी जो उसका कैचमेंट एरिया है वो है लुट्टा और नावाडी। तो डैम बनने के बाद तो फायदा हुआ आधा दर्जन गांवों को, कदमा, सलगावा, कस्तूरीखाप, रोमी, पिलावल को फायदा तो हुआ, लेकिन जहां जिसको जो विस्थापित हुए, जिन गांव के लोगों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा, उनको पानी नहीं मिला। तो उसके लिए इसमें लिफ्ट इरीगेशन लगाने की योजना थी, 1958 में ही लिफ्ट इरीगेशन लगाने की योजना पारित हुई थी कि लगाया जाए ताकि ग्रामीणों को फायदा हो, लेकिन आज तक वह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। लिहाजा लुट्टा और नावाडी के ग्रामीण आज भी ठगे जा रहे हैं इस डैम से, जबकि इस डैम से आधा दर्जन गांवों को पानी मिलता है। चुनाव के समय में विधायक सांसद जो पोस्ट होते हैं उनके लोग आते हैं, आश्वासन भी देते हैं, मगर अभी तक भी हो नहीं पाता है। एक्चुअली विधायक और सांसद जो देखते हैं, एक बार यशवंत सिन्हा जब वित्त मंत्री थे भारत सरकार के, तो उनके जो सांसद प्रतिनिधि थे उन्होंने दे दिया कि यहाँ पे जो गोंदा डैम है इससे पानी, जब छड़वा डैम का पानी कम होने लगा तो शहर को सप्लाई करने के लिए कि गोंदा डैम से पानी का सप्लाई किया जाएगा शहरी योजना को। तो ग्रामीणों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा था उनको कि हम लोगों को जब पानी खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए, जो कृषि कार्य के लिए बनाया डैम और कृषि कार्य के लिए नहीं मिल रहा है और आप पानी शहर के लोगों को देंगे, तो शहर के लिए उसके बाद ही वैकल्पिक व्यवस्था कोनार से पानी लाने की बात हुई थी। जी आज तक उसको सफाई वगैरह भी नहीं की गई है, सिंचाई शुरू नहीं हो पा रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में प्रशासनिक पदाधिकारी या स्थानीय विधायक या सांसद के द्वारा जो डैम होता है, जो डैम डीवीसी ने जो डैम बनाया था उसमें डीवीसी ने बिहार सरकार को हस्तांतरित कर दिया, बिहार सरकार से झारखंड सरकार को हस्तांतरित हो गया, तो उन्होंने कहा था कि इस डैम का जो सिल्टेशन टाइम होता है, सिल्ट भरते जाता है धीरे धीरे, तो उसका 20 साल टाइम होता है, यानी अभी तक 3 बार उस सिल्ट का साफ सफाई होना चाहिए था, लेकिन 1956 के बाद से अभी तक 1 बार भी इस डैम की सफाई नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं उदासीनता दिखती है, सरकार की उदासीनता देखी जाती है, कृषि प्रधान हम लोग का राज्य है, देश है, लेकिन यहाँ कृषि पर कभी व्यवस्था देखी नहीं जाती है, और ग्रामीण कृषि जब कमज़ोर होता है तो देश कमज़ोर होता है, इसीलिए देखा जाता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे नीचे आ रही है। जिस उद्देश्य से डैम का निर्माण हुआ डीवीसी द्वारा जो हुआ, लेकिन अभी तक इस पर कोई पूरा नहीं हुआ जो उद्देश्य था। लिफ्ट इरीगेशन का भी काम उसमें लगा था, आसपास के गांव में पानी पहुंचने थी, क्या जाता है पानी? नहीं, आसपास गांव में कहीं पानी नहीं जाता है। क्या कारण रहा है इसका? क्या कारण, ये तो पहले का तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमने सुना है कि 1956 या 60 में कुछ बना था, तो 2-4 साल के लिए कुछ बना होगा, कुछ कदमा ये सब तक गया, लेकिन 70 के बाद सुनने में आ रहा है कि 70 से तो कुछ काम नहीं हो पा रहा है, कहीं पानी वैसा सप्लाई नहीं होता है, बस जैसा का वैसा ही है। गर्मी की के समय में हम लोग का जितना भी यहाँ का मवेशी लोग हैं, जानवर जितने तरह के हैं, तो पानी के लिए भी तरसते हैं, और प्लस आर किसी का सिंचाई के लिए होता है तो यहाँ सिंचाई अच्छी से नहीं हो पाती है। अगर इसका गहरीकरण हो जाए तो पूरा गांव और 2-4 गांव जितने हैं सटे हुए वो सही हो जाएंगे, सिंचाई में पूरा आ जाएंगे, तो कुछ अपना लाभ उठा पाएंगे।